मॉर्निंग क्लास, इसमें जो लोग बाबू ध्यान दीजिए, इसमें हम कैविटी से इसमें पढ़ाना है, कैविटी, कैविटी के बाद न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन के बाद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद डिजीज, डिजीज के बाद फाइलम, ठीक है। तो आपका चलेगा कहाँ से? कैविटी से। आपका क्लास आज पहले, अभी हम आपको बता देते हैं, शांति से सुन लीजिए, यहां से चलेगा कैविटी, ये छूटा था कैविटी के बाद आपका है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद डिजीज, डिजीज के बाद फाइलम। जब तक ये खत्म नहीं होता है किसी का कुछ नहीं सुना जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और इधर करो, तो थोड़ा सा इधर, लड़की से मिला देती है सर, ठीक है, वहां रखो, अपनी तरफ कर लेती है सर। सर हम पॉलिटी परचेज किए हैं, फिर परचेज करना पड़ेगा, कर लो। एक आदमी दो बार क्यों परचेज करेगा? इसका कहने का सेंस है कि पूरा एक बैच में कर लिया तो फिर कर ले, फिर कर लो, अगला बैच आएगा तो फिर कर लेना। यार इतना भी बुद्धि नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे ही सब, जो क्या बताया अब आपको। चलिए हम लोग कैविटी की बात करते हैं। कितना लोग जूलॉजी नहीं पढ़ा है, हाथ उठाओ। तो तू बगलो लोग इसमें बैठा का है। आप लोग बकलोल थोड़ी, आप लोग बकलोलिया है, हम तो बोलबे नहीं किया बकलोलिया सबको कुछ। लेकिन अपने से ये लोग क्या कहते हैं, कॉमन सेंस लगा लेती हैं सर, कि हम भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए ध्यान दे दो, कैविटी क्या होता है, लाइव वाले सारे लोग ध्यान से समझिए, एप्लीकेशन वाले आप लोग का यहीं से था, कैविटी से, कैविटी ये एप्लीकेशन वालों का यहीं से छूटा था, आप लोग ध्यान से समझिए कैविटी का मतलब क्या होता है। खाली जगह, शरीर में खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी। हिंदी में कहा जाता है गुहा, खाली जगह को कैविटी या गुहा कहा जाता है, कैविटी, कैविटी या गुहा। जब कभी भी कहीं खाली जगह हो जाए उसे कैविटी कहते हैं। दांत जो होता है इसके बीच में खाली जगह नहीं होता है, लेकिन दांत में कभी कभी आप क्या करते हैं, फ्लोरीन गैस पड़ जाता है, तो दांत में फ्लोरीन गैस क्या करता है, दांतों का क्षरण कर देता है, तो इस कारण दांत में सड़न पैदा हो जाती है और दांत क्या होने लगता है, गलने लगता है, और उसमें खाली जगह बन जाता है। उस खाली जगह को क्या कहा जाता है, कैविटी कहा जाता है। उसको देहात में लोग कहते हैं खोल्ला जम गया है। क्या हो गया है? खोल्ला। पीछे जाना बबनी, लेट से आकर लोग सीधे पीछे जाया करो, यहाँ आके कहती हूँ यहाँ तक आवाज जाता है, पीछे का मतलब ही नहीं समझती है। पीछे मतलब कौन सी होता है? चलो ध्यान से समझ, देहात में उसे क्या कहा जाता है, खोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोड़ीला कहा जाता है। तो वो भी क्या, एक तरह का कैविटी। हमारे मुंह में भी कैविटी है, जिसे हम लोग बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। ये जो मुंह खुल रहा है ये कैविटी होता है। जब जिसका बड़ा रहेगा इसे चार उंगली घुस जाए, मगरमच्छ की कैविटी और भयानक ऐसे हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कौन सी कैविटी है? बक्कल कैविटी, अंग्रेजी में कहते हैं मुख गुहा, बक्कल कैविटी या मुख गुहा। ये बड़ा सा जो मुंह खोलते हैं, जितना ज्यादा बड़ा मुंह रहेगा उतने बड़ा फोचका खाएगा। लड़की सब का मुंह इतनी चुड़की और फोचका ले ली गई ना, ले लेगा और ही डालते जाएगा, मना कर देगा, ओ तो समझे में नहीं आएगा उसे, इतनी चुकी मुंह फुचका डाल दिया इतना तो घूम जाती है। लड़की सब बहुत खतरनाक होती है, सब उस सबका फुचका बहुत फेवरेट रहता है, लेकिन उस सबका मुंह छोटा छोटा मुंह में बड़का फुचका नहीं ना खा सकते। तो ये कौन सा कैविटी है? बक्कल कैविटी। कौन सी कैविटी? बक्कल। अब दिमाग में भी कैविटी होती है, दिमाग में भी क्या होती है, कैविटी होती है। इसे मेनिंजॉइट कहेंगे, या फिर आपका मस्तिष्क में जो होता है क्रेनियम कैविटी। क्या हो गया? क्रेनियम कैविटी। उसी के अंदर क्या रखा हुआ है? भेजा। उसी के अंदर क्या रखा है? भेजा। अगर वो खाली जगह नहीं रहता तो उसमें भेजा अट पाता? आपका मुंह में खाली जगह नहीं रहता, खाना अट पाता नहीं। तो ये कौन सी कैविटी है? बक्कल कैविटी। ये कौन सा हो जाएगा? क्रेनियम कैविटी। कौन सी कैविटी? क्रेनियम। इसी के अंदर क्या है? 1300-1350 ग्राम का क्या चीज है?
भेजा रखा हुआ है, इसमें क्या है भेजा है, और वही अगर ऐसे ऐसे हिलाएंगे उसी में ऐसे ऐसे मतलब सेफ्टी से रहता है, हिल डुल नहीं करेगा। उसके बाहर एक परत है मेनिनजॉइट नाम का परत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो ये बताइए कौन सी कैविटी, क्रेनियम कैविटी, ये बक्कल। अब हमारा छाती देखते हैं, छाती जो है वो भी कैविटी है, स्केलेटन तो जी स्केलेटन, तो छाती भी क्या चीज है, कैविटी होती है, उसे हम लोग कहते हैं थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को हिंदी में कहते हैं वक्ष गुहा। छाती भी क्या है? वक्ष गुहा। तभी ना उसके अंदर फेफड़ा सेट किया गया है, दिल गुर्दा क्या किया गया, सेट किया गया। तो ये कौन सी कैविटी हो गई भाई? थोरेसिक कैविटी। हिंदी में बोलिए तो वक्ष गुहा। कौन सी गुहा? वक्ष। पेट भी है ना, पेट ये भी कैविटी है। तभी ना एक थरिया खा लेते हैं अट जाता है, नहीं ना कैविटी नहीं रहता तो अट जाता है, नहीं हटेगा। तनी इन हाथ में हटाइए ना, कुछ हटेगा, कोई कैविटी नहीं है यहाँ पर, नहीं हटेगा। अब वही एक थरिया खाइए, बारात में जाके डेग उलाट लेते हैं तो किस कैविटी में जाता है? पेट में जाता है। इसे कहते हैं हम लोग एब्डोमेन कैविटी। कौन सी कैविटी? एब्डोमेन कैविटी। तो आप कैविटी देख रहे हैं कितना ऊपर से स्टार्ट करिए खोपड़िया के पास से। कौन सी कैविटी? क्रेनियम कैविटी, क्रेनियम कैविटी। और एक कहाँ था? मुंह में, मुंह में, मुंह में बक्कल कैविटी। और छाती में थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। और पेट में एब्डोमेन कैविटी। इसे क्या कहेंगे? कपाल गुहा, कपाल गुहा। कौन सी गुहा? कपाल गुहा। गुहा लिखना जरूरी है, वहां तो लिखबे किए हैं। कौन सी गुहा? कपाल गुहा। इसे क्या कहेंगे? मुख गुहा। ऐसे क्या कहेंगे? वक्ष। छाती को क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। ऐसे क्या कहते हैं? उदर गुहा। कौन सा गुहा? उदर। पेट को क्या कहा जाता है? उदर। पेट को उदर, सबसे बड़का पेट गणेश जी का, इसलिए लंबोदर कहते हैं, बड़का पेट लेके बैठा ले दम। क्या कहा जाता है? लंबोदर। गणेश जी का नाम क्या होता है? लंबोदर। उदर मतलब क्या होता है? पेट। उदर मतलब क्या होता है? पेट। लंबोदर किसका नाम है? गणेश जी का नाम लंबोदर। ये यहाँ पर ये इसका इस ये खोपड़ी जो है ये इसके अंदर क्या चीज है? खाली जगह है खोपड़ी में। ये कौन सी कैविटी है? बक्कल कैविटी। मुंह में कौन सी कैविटी? बक्कल कैविटी। और ये खोपड़ी में क्रेनियम कैविटी। कौन सी कैविटी? क्रेनियम। देखिए इसको चोट लग गया है, इसका कपार फूट गया है, इसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? जब कभी भी खोपड़िया पे तेज मार देते हैं तो ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट कर जाता है। ब्लड क्या कर जाएगा? क्लॉट। अब उसको खोपड़ी काट के उस क्लॉटिंग ब्लड को निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्लॉट ब्लड सड़ जाता है और वही वहां पे ब्रेन सड़ जाएगा और ब्रेन हेमरेज होगा, एक और से इसे मर जाएंगे यहाँ पर। अगर ब्रेन पे चोट तेजी से लग जाएगा तो इसकी अंदर एक परत होती है मेनिनजॉइट, उस मेनिनजॉइटिस हो जाएगा, आप वहां पे भी क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं। तो बताइए अभी ये सबसे का घुमा ले रहा है, इसका गटा ही टूट गया है जी, गर्दन टूट जाता है ना तो यही होता है, इधर घूम जाता है, यहाँ पे गर्दन टूट गया है, मरने के बाद कौन ध्यान दे रहा है इसका कौन सी टूटा है? ये कौन सी कैविटी है? हाँ, वक्ष गुहा। थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा, बताइए तो। छाती दिल वगैरह कहाँ रहता है? वक्ष गुहा। ये कौन सी कैविटी है? उदर गुहा। पेट वगैरह? उदर गुहा। कौन सी गुहा? उदर गुहा। गुहा समझ में आ गया आप लोग का? क्रेनियम कैविटी, बक्कल कैविटी, क्रेनियम कैविटी, बक्कल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, अंग्रेजी में बोलेंगे कपाल गुहा, मुख गुहा, वक्ष गुहा, उदर गुहा, वक्ष गुहा और उदर। ऐसे तो बात बताइए देंगे, कपाल गुहा मैंने खोपरिया पे होता है कपार पर, अब वक्ष मुख गुहा मुंह में, बताइए दिक्कत होता है वक्ष गुहा में और किस में? उदर गुहा में। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, पैर में ये टाड़ है, ये रख दो जी इसको। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत है? अब इसके बाद देखिए गुहा वाला चैप्टर हम आपको इसमें है, आपको मटेरियल में पीडीएफ में आपको किसी को नहीं मिलेगा पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ मिल चुका होगा, नहीं मिला भाई तो इसमें बकले लो, वो दूसर को बेच का है सब, इसमें सबको पीडीएफ देंगे। शरीर में पाए जाने वाला वह खाली है, चुपचाप रहो, यहाँ स्टेट हम है। शरीर में पाए जाने वाला वह खाली स्थान जो आंतरिक अंगों रह सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? गुहा। कपाल गुहा बोलिए कहाँ होता है? हा? मुख गुहा, वक्ष गुहा, उदर गुहा। कहेगा आमाशय, यकृत, अग्नाशय, वृक्क तथा छोटी बड़ी आंत किस गुहा में रहती है?
कहेगा फेफड़ा थाइमस ग्रंथि तथा हृदय, दांत तथा जीभ कहां पर, अब ब्रेन कपाल, कपाल गुहा जो होता है सबसे मजबूत होता है यहाँ पे, लेकिन इस कपाल गुहा के पीछे खाली जगह होता है, इसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, यहाँ पर कोई मजबूती नहीं होती है, इसे क्या कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो किसी को यहाँ मार दीजिएगा एक मास ना तो खत्म में कहानी हो जाएगा, वैसे ही मर जाएगा, तो बहुत खतरनाक स्थिति होता है, इसमें किसी को नहीं मारना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत है, कौन सा छेद होता है यहाँ, फोरामेन मैग्नम, कहेगा कि फोरामेन मैग्नम नामक बड़ा सा छेद कहाँ पे होता है, कपाल गुहा में, कहाँ पर होगा, कपाल गुहा में, कहाँ होगा, कपाल गुहा में होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बच्चों का दांत रहते हैं निकल देते हैं पर दोबारा आ जाता है, रे बकलोल बात नहीं, दांत चैप्टर कहिएगा खत्म हो गया है। इसको ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, देखो तो लड़की है क्या, हाँ ऊपर गया, ऊपर गया, देखो बस यही है, पढ़ो तो पूरा नाम पढ़ो ना, संचिका उपाध्याय, अरे दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। अब लड़की लोग बताओ हम क्या आप गलत बोलते हैं, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। सवाल पूछ के हम पूछने का हिसाब से हम समझ जाते हैं कौन पूछा होगा। ये तो पढ़ा चुके हैं हम दांत वगैरह का चैप्टर, अब इसमें इतना चलिए अब ध्यान से समझते आगे, अब कोशिकाओं की इकाई समझते हैं। पीडीएफ नहीं मिला है, हम दे देंगे आपको पीडीएफ, कल दे देंगे हमको ध्यान में ताकि पीडीएफ दे दिए होंगे। ये चैप्टर हो गया आपको कैविटी, इससे भूले भटके कभी एक सवाल पूछ देता है। अब यूनिट ऑफ बॉडी पूछता है, यूनिट मतलब होता है इकाई, यूनिट का मतलब क्या होता है इकाई, बॉडी की कुछ कुछ क्या है इकाई है, इकाई किसे कहा जाता है, आखिर वो चीज किस चीज से बनी है, सिंगल मतलब किस किस चीज को जोड़ के वो चीज बनी है, उसी को क्या कहा जाता है इकाई। बकलवा क्या हो गया है, जल्दी कौन गिर गया, पार्टनर गिर गया छत पे से, जा इसका पार्टनर गिर गया। चलो ध्यान से समझिए बाबू, यूनिट किसे कहा जाता है इकाई, मतलब वो कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बनी है उसी को क्या कहा जाता है इकाई। जैसे क्लासरूम, क्या होता है क्लासरूम, क्लासरूम किसका इकाई है, स्टूडेंट का, बेंच का कौन बोल रहा है। अरे बेंच नहीं रहेगा तभी तो क्लासरूम हो जाएगा, नहीं देखते जमीन पे बैठता था, क्लासरूम किस चीज की इकाई है, हाँ रानी पांडे आप क्या का लिखते हो, जो काम का चीज है वही पूछिए, लोग आगे पीछे का मत पूछा कीजिए, लोग कौन चीज कहाँ रहेगा, आगे देखते रहिए। क्लासरूम किस चीज की इकाई, मतलब स्टूडेंट की इकाई, स्टूडेंट मिलके क्या बना देते हैं क्लास। दीवाल किसका इकाई, ईटा का, दीवाल ईटा, ईटा ईटा मिलके क्या बना देते दीवाल, बाढ़ में गया सीमेंट उमेंट नहीं हो रहेगा, ईंटे साज दीजिएगा दीवाल बन जाएगा, कितना गाँव में ईंटे साज के आदमी को दीवाल बना देता है, नहीं तो बकरी उकरी नहीं हाथ हाथ पाती है, बगीचा के चारों ओर ईंटा साज के नहीं दीवाल बना देता है, बकरी उकरी मत हिल जाए, कोनो कोनो एकदम हड़साक बकरी होती है सर वो हिल जाती है सब, हड़साक मत समझते हो ढीठ वहां पे, चलिए ध्यान समझिए, वो हिल जाती है सर छोट मोट दीवाल। तो बताइए दीवाल किस चीज, दीवाल की इकाई, लड्डू खाए लड्डू उसकी इकाई बुनिया, लड्डू बनता है कि पहले बुनिया बनता है, हाँ बुनिया, तो बुनिया उसका इकाई, लड्डू का इकाई बुनिया, बुनिया हो जाएगा। तो हर चीज की अपनी अपनी जगह पर क्या होती है इकाइयां होती हैं, उसी से वो चीज क्या होता है बनता है, और उसी को जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के क्या बना सकते हैं बड़ा कर सकते हैं, तो इकाई इकाई को जोड़ जोड़ के आप बहुलक बना सकते हैं, ईंटा एक इकाई है, ईंटा का बहुलक क्या हो जाएगा दीवाल, बुनिया एक इकाई है उसी को जोड़ देंगे तो लड्डू, क्या हो जाएगा लड्डू। उसी तरह शरीर की इकाई कोशिका, हमारा पूरा शरीर किस चीज से बना है, शरीर की इकाई, शरीर की इकाई कोशिका, शरीर की इकाई कोशिका हो जाती है। आगे बढ़े, अब शरीर में एक एक करके देखते हैं, ब्रेन, ब्रेन किस चीज से बना है न्यूरॉन, ब्रेन किससे बना है न्यूरॉन, ब्रेन न्यूरॉन, तो ब्रेन की इकाई न्यूरॉन, ब्रेन की इकाई, ब्रेन की इकाई न्यूरॉन होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अब ब्रेन से नीचे आते हैं लोग, हम लोग को मिलेगा हृदय, मेन मेन चीज को हम लोग देखते हैं हार्ट, किस चीज को देखते हैं हार्ट, हार्ट होता है हृदय, हृदय की इकाई कार्डियक, कार्डियक, हृदय की इकाई कार्डियक, हृदय की इकाई कार्डियक, तो कार्डियक का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हृदय विज्ञान इसे, न्यूरॉन का अध्ययन न्यूरोलॉजी, कोशिका को कहते हैं साइटो, साइटोलॉजी,
साइटोलॉजिस्ट हो जाता है, कोशिका विज्ञान का अध्ययन, समझ में आ गया कि नहीं। तो हृदय की इकाई कार्डियक, हृदय की कार्डियक, हृदय की। अब बात करते हैं लीवर की हेपेटिक, लीवर की हेपेटिक, हेपेटिक हेपेटाइटिस हो जाता है इसी से। तो हृदय की बोलिए हेपेटिक, हृदय सॉरी लीवर की हेपेटिक, लीवर लीवर, हार्ट कार्डियक, हार्ट हार्ट, ब्रेन न्यूरॉन, ब्रेन ब्रेन। अब बात करते हैं किडनी की नेफ्रॉन, किडनी की नेफ्रॉन, किडनी की नेफ्रॉन, किडनी नेफ्रॉन। तो नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन, किडनी। न्यूरोलॉजी ब्रेन, कार्डियोलॉजी हेपेटोलॉजी लीवर, साइटोलॉजी कोशिका, साइटोलॉजी कोशिका। तो जो कैंसर वगैरह के डॉक्टर होते हैं ना, उन लोग के पास साइटोलॉजी का अध्ययन ज्यादा होता है, क्योंकि उन कैंसर वही पकड़ पाते हैं है क्या। इसलिए अक्सर आप सुनते होंगे कि उनको कैंसर था, पते नहीं चल रहा था। नॉर्मल आदमी कैंसर नहीं पकड़ पाता, क्योंकि कैंसर कोशिकाओं में होता है। इसलिए आप बहुत सारे मरीज तो कैंसर के ऐसे मर जाते हैं, क्योंकि उनको कैंसर बहुत लेट स्टेज में पता चल पाता है। क्योंकि कैंसर के लिए आपको कोशिका का अध्ययन करना पड़ेगा। छोटे मोटे शहर में साइटोलॉजी वाला बैठेगा कह लिए, पटना में बैठते हैं लोग बड़े बड़े टाइप के डॉक्टर, तो इसलिए वो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो बताइए शरीर की इकाई कोशिका, ब्रेन का, हार्ट का, किडनी, हाँ नेफ्रॉन, किडनी नेफ्रॉन, किडनी की इकाई, लीवर का, ब्रेन का, बोन का ऑस्टियो, ब्रेन का ऑस्टियो, ऑस्टियो ब्रेन का, इसका हड्डी का, सुने होंगे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, सुने हड्डी का डॉक्टर क्या कहलाता है, ऑर्थोपोड, हड्डी के अध्ययन के ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होते हैं सब, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी होते हैं। हड्डी में कभी कभी सर्जरी भी करना पड़ता है, हड्डी ज्यादा क्रैक हो जाती है तो ऊपर से मांस काट के दो हड्डियों के बीच में स्टील का टाका देना पड़ता है, रॉड देना पड़ता है, तब तक रॉड लगाना पड़ता है जब तक हड्डी बड़ी हो गए क्या ना हो जाए, सट ना जाए। तो वो आपका हो जाता है कार्डी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का ये काम हो जाता है। बताए तो चलिए अब क्वेश्चन पे, लंग्स का क्या हो जाएगा, एलवीएली, लंग्स में श्वसन तंत्र बताए थे कि नहीं, एलवीएली, कोरोना में क्या जाम हो जाता था, एलवीएली, लंग्स का, लंग्स का एलवीओली, लंग्स का एलवीओली, लंग्स एलवीओली, लंग्स का एलवीओली। बताइए बॉडी का, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एलवीओली, लंग्स एलवीओली। हम ये जो सांस लेते हैं क्या ऐसे, आप फेफड़ा को कोई गोदाम समझ रहे हैं क्या, इसे खाली होगा हवा चल जाएगा, अभी रेक बना, फेफड़ा गोदाम ऐसा नहीं है, उसमें छोटे 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 क्या बना है, गुच्छा, सांस लेते हैं तो उसी छोटे छोटे गुच्छों में चला जाता है, उसी गुच्छों को क्या कहते हैं, एलवीएली, क्या कहेंगे, एलवीएली। अब जो जूलॉजी नहीं पढ़ा है वो अजीब देख रहा है, ये सब कौन चीज होता है, अभी तक तो पेड़ पत्ती पढ़ रहे थे, अचानक फेफड़ा कहाँ से आ गया। आगे बढ़ सर, इकोनॉमिक्स क्लास के लिए ट्विटर पे कैंपेन कर देंगे हम लोग, अरे यार मत कर ट्विटर पे। दुर्गा पूजा बाद ही ना होगा, कोई बैच इधर बैच स्टार्ट नहीं ना कर सकते, दशहरा के बाद वहां बैच स्टार्ट होते हैं सर। बहुत सारे लड़के अभी दुर्गा पूजा के बाद आएंगे, कोरोना ने बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया, तो हम लोग को सबके बारे में ना सोचना पड़ता है। बहुत सारा बिजनेसमैन ये सोच रहा है कि दुकानदार है, दुर्गा पूजा में कुछ कमा लेंगे, कुछ दीपावली में कमा लेंगे, बच्चों को फिर भेजेंगे, तो पढ़ने का सबको शौक होता है, केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे वो। तो भगवान भला करे इस जियो का जो इतना सस्ता डाटा दिया, जो आज गांव गांव का लड़का पढ़ लेता है वहां पर, क्या करता है, खाली नाश्ता है तुम्हारा, कौन तुरा अपन पर्सनल जियो है का, इसका जियो वाला चल भी नहीं करता, तू गोदाम में रहता है का, लॉज में रह रहा, रिचार्ज कराए कि नहीं, गधा कहीं का कह रहा है कि सर हमरा वाले में जियो काली गोल गोल घूमता है, रिचार्ज नहीं करा है। चलिए बाबू, अब अगला चैप्टर है न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूट्रिशन। इसका पीडीएफ नहीं है आपके पास, हम आपको इसके पीडीएफ कल देंगे, ये खत्म हो गया, ये तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ये सब चीज तो पढ़ा देते हैं हम पहले ही, लेकिन क्या होता है कि एक जगह इसको बता देते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण, क्या कहलाता है, पोषण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है न्यूट्रिशन। हल्ला मत कर बकलोल सब, ध्यान दो इधर, टाइप वाले सब लोग समझिए, पोषण का मतलब होता है हमारे शरीर के लिए जरूरी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पोषण।
शरीर के वृद्धि विकास के लिए जरूरी पदार्थ क्या कहलाता है? पोषण। पोषण तत्व अलग अलग काम के होते हैं। कुछ ऐसे पोषण होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जल है, ये एनर्जी देता है। आप बहुत थके रहेंगे ना, एक गिलास पानी पी लिए तुरंत टनटना जाते हैं, देखेंगे नहीं देते हैं तुरंत एकदम कोनो बेहोश हो जाता है, पानी पिला पानी पिला पानी पिला, समझा कि नहीं। कई को तो लोग ऐसे होते हैं पानी पिला के बेहोश कर देते हैं, देहात में नहीं कहते अरे ऐसा लड़का हो लो ना पानी पिया के रख दे लो एक से एक रहता है। तो ये कुछ पोषक पदार्थ हमें क्या देते हैं? ऊर्जा। ज्यादा गिर गया है ग्लूकोज पिला दो, नहीं समझ में आ गया, ग्लूकोज के पिला दिए तुरंत सही हो जाता है। तो हमारे शरीर में पोषक पदार्थ जो होते हैं सब, वो कई काम अलग अलग करते हैं। कुछ का काम होता है ऊर्जा देना, जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, फैट ऊर्जा देता है, जल ऊर्जा देता है। लेकिन इसी में कुछ का काम होता है हमारे शरीर की वृद्धि करना, शरीर की क्या करना, वृद्धि कर। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता बल्कि प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन ज्यादा, आपको क्या होगा, वृद्धि ज्यादा हो जाएगा। प्रोटीन की मात्रा हॉर्लिक्स में मिला दो, प्रोटीन की मात्रा कॉम्प्लान में मिला दो, प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन एक्स में मिला दो, सब एक के चीज है, बस नाम बदल बदल बेचता है। लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी से कहो कॉम्प्लान पिलाए देखे हाँ हाइट बढ़ाइए, एक से एक लाता है। अब एको कोनो अलग अलग टाइप की सब आते सतकर प्रचार के लिए अपनी अच्छा चीज। सर मेरा एफ क्लेट क्लियर हो गया है, हेल्प कीजिए एसएसबी के लिए, मेरा एफ क्लेट क्लियर हो गया है। भाई अब एसएसबी के लिए आप तैयारी कीजिए ठीक ठाक से, एसएसबी के रीति कुमार एफ क्लेट। अभी इससे पहले वाले बैच में एक तो एफ क्लेट पूरा क्लियर हो गया था। आप अभी कौन महीना चल रहा है ये बाबू, तब तब एसएसबी आ भी जाएगा आपका। एसएसबी कोरोना नहीं रहता तब तक एसएसबी ले ही चुका रहता आपका। मेहनत से पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा और मन लगे दीजिए, बस एक महीना बाद आप पायलट होने वाले हैं। एफ कैट के बाद सीधा पायलट होते हैं, तीन रास्ते हैं पायलट बनने का, एनडीए सीडीएस एफ कैट, वहां से उसका पीएबीटी टेस्ट एक जरूरी होता है उसके लिए आप। चलो बढ़िया, देखो भाई आप लोग में भी जल्दी जल्दी एसएसबी निकालो, पायलट बनो। हाँ 5 दिन होता है, 5 दिन इंटरव्यू में 10 दिन लग जाता है, जो सिलेक्शन होता है ना 5 दिन का इंटरव्यू, 10 अगला 5 दिन मेडिकल में रोक लेता है। इंटरव्यू 5 ही दिन का होता है मेनली, वहां 3 तरह से एनडीए में छटते हैं। एक पहले दिन छट जाते हैं स्क्रीनिंग में एसएसबी में, और नहीं तो फिर 5वां में कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, और नहीं तो फिर उसके बाद मेडिकल आउट होते हैं। सबसे तकलीफ होता है मेडिकल आउट में, आदमी अपने आप को गरियाता है, सोचाती है पैदा हो गई लो चलो ध्यान से देखो। तो न्यूट्रिशन बाबू कई टाइप के हो गए, क्या न्यूट्रिशन हमें ऊर्जा देते हैं? अरे आप कैसे देखे हैं? क्या न्यूट्रिशन हमारी वृद्धि में मदद करते हैं? प्रोटीन नहीं रहेगा तो वृद्धि होगा? क्या न्यूट्रिशन बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बीमारी से रक्षा करेगा? जल नहीं, आपका प्रोटीन नहीं, विटामिन जी विटामिन बीमारी से रक्षा होगा। रतौंधी हो गया विटामिन ए खा लीजिए, बेरी बेरी खजुआ दिनाए चेचक हेन तेन हो रहा है, क्या कहे बेरी विटामिन बी, क्या कहे बी। लेकिन आदमी विटामिन बी आजकल खाइए नहीं रहा है, चावल में जो था विटामिन बी था, लेकिन आजकल पॉलिश किया चावल आ रहा है, मार रहबे नहीं कर रहा है, मार नहीं रह रहा। पहले हम लोग बचपन में मार नमक चावल खा के जाते थे स्कूल, मार भात, बीमार नहीं पड़ता था। जब से ये सीबीएसई वाला आया है सब, इन लोगों ने मार को नीच नजर से देखते हैं, ये भगवान मार खा रहा है, अरे तुम मत खाओ, वो सब फोटानी ज्यादा होता है सीबीएसई वाले, ये माय गॉड ये कैसा प्राणी है मार भात खा रहा है, छी अजब हाल है, छी सचेत ने, बढ़िया प्रोटीन वाला वही था। तो आजकल सीबीएसई वाला पॉलिश किया चावल ले 3 सीटी मारो खाओ सचरा, 4 गो बीमारी खजुआ वही से बेरी बेरी लेके पानी दिल रहता है इन सब, समझ। तो विटामिन क्या करते हैं? बीमारियों से रक्षा करते हैं, हमारी बीमारियों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो प्रोटीन के न्यूट्रिशन कई टाइप के होते हैं, ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिशन हो सकते हैं, वृद्धि करने वाले न्यूट्रिशन हो सकते हैं, बीमारियों से रक्षा करने वाले न्यूट्रिशन हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग को ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिशन जो हमें क्या दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं। इसमें 2 चीज का नाम सबसे पहले आता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है फैट, क्या होता है फैट। जल के बारे में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, H2O खत्म कहानी, उसमें पढ़ना कौन चाहिए। तो जल भी हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, और फैट भी हमें ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है। पहला कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट से। देखिए
कार्बन जो होता है ये जरूरी होता है, कार्बन जरूरी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 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 इन तीनों का पहला अक्षर लीजिए। कार्बन का क्या ले लेते हैं, कार्ब, इसका ले लेते हैं ओ, थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं ओ, इसका ले लेते हैं हाइड्र, हाइड ले लेते हैं, और सबको क्या करिए एट, मतलब जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़िए, क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितने चीज से मिलकर बना होता है, तीन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसी से मिलकर क्या बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें CO2 कहां ले आ रहा है, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, C6H12O6, ये एक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं सब, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक है या नहीं है, है, जिसमें आपको कार्बन दिख गया वो क्या हो सकता है, कार्बनिक, क्या होता है, कार्बनिक। तो हम अभी किसके बारे में पढ़ना चालू करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कहते हैं शर्करा, क्या कहेंगे, शर्करा, सिंपल भाषा में कह सकते हैं जो भी चीज मीठा लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, चावल खाएंगे हल्का मीठा लगता है उसमें कुछ भी ना मिला है तो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फल खाएंगे मीठा लगता है कार्बोहाइड्रेट है, रोटी खाइए चुपचाप बिना किसी मिला के खाइए हल्का सा उसमें क्या रहता है, मिठास रहता है, तो जो भी चीज में हल्का सा मिठास रहता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फल में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें मीठा लगता है यहाँ पर, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें ऊर्जा देता है, लेकिन हर चीज की अलग अलग कैटेगरी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट भी तीन कैटेगरी का, कितने कैटेगरी का, तीन, यानी शर्करा कितने कैटेगरी का, तीन कैटेगरी का, एक लो लेवल का शर्करा, मीडियम लेवल का शर्करा, हाई लेवल का शर्करा, कितने टाइप के शर्करा हो जाएंगे, तीन टाइप के, कितने टाइप के, तीन टाइप के, कितने टाइप के, तीन, एक होता है मोनोसेकेराइड, मोनो सेकेराइड, मोनोसेकेराइड ये सबसे लो लेवल का होता है, एक होता है डाइसेकेराइड, कौन सा, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड ये मीडियम लेवल का होता है, और एक होता है पॉलीसेकेराइड, कौन सा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड सबसे हाई लेवल का शर्करा कौन होता है, हाँ पॉलीस, देखिए सबसे लो लेवल का मोनोसेक, सबसे लो लेवल का जैसे ग्लूकोज, कौन सा हो गया, ग्लूकोज, ये सबसे लो लेवल का होता है, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है, एकदम लो लेवल के हैं, सबसे आसानी से पचेगा पॉलीसेकेराइड की मोनोसेकेराइड, हाँ मोनोसेकेराइड, अब भाई सिंपल सा, आप रोटी खा लेंगे तो आराम से पचेगा, रोटी के ऊपर मक्खन लगा लेंगे तो नहीं मुश्किल से पचेगा, पराठा बना देंगे और पचेगा, मेहनत होगा, पराठा के अंदर से कुछ ठूस दीजिए उसमें, जैसे तंबाकू ठूस दीजिए, तंबाकू, आलू, तंबाकू बोल दिए यार, हाँ आलू, तंबाकू बोल दिए, खा के बेहोश हो जाएगा वो, तो आलू टूस दीजिए, कौन सा पराठा हो जाएगा, आलू का पराठा, एक से एक पराठा बनाता है सब, पनीर का पराठा, और मुश्किल से पचेगा, तो सिंपल, सबसे सिंपल कौन सा होता है, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये कैसे होते हैं, बहुत सिंपली पच जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्या हो जाते हैं, पच जाते हैं, लेकिन दो मोनोसेकेराइड को, दो मोनोसेकेराइड को मिला देंगे तो कौन सी हो जाएगा, डाइसेक, डाई मैंने कहे को, दो डाई मैंने, तो अगर हम दो किसको मिला दें, मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड क्या बन जाता है, डाइसेक, क्या बन जाता है, डाई, जैसे सुक्रोज, क्या जी, सुक्रोज, क्या हो गया, सुक्रोज, इसमें मिला दीजिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो ये क्या हो जाता है, डाइसेकेराइड, क्या बन जाता है, डाइसेकेराइड, ज्यादा मीठा कौन होगा, डाइसेक, ज्यादा मीठा, डाइसेक, आराम से कौन पचेगा, आराम से पचेगा, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, खूब ज्यादा ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज सबको फेंट दीजिए तो क्या बन जाता है, पॉलीसे, सबसे कॉम्प्लेक्स कौन होता है, पॉलीस, सबसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसे, इसमें आता है स्टार्च, क्या आता है, स्टार्च, इसमें आता है आपका सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, इसमें आता है काइटीन, क्या आएगा, काइटीन, ये सब थोड़ा सा टफ होते हैं, ये क्या होते हैं, टफ, हम लोग किसको पचा सकते हैं, मोनोसेकेराइड, हम क्या डायरेक्टली डाइसेकेराइड को पचा सकते हैं, नहीं, हमको डाइसेकेराइड को तोड़ना पड़ेगा मोनोसेकेराइड, क्या हम इसको पचा सकते हैं, नहीं, हमको अगर पचाना है तो इसको किसमें तोड़ेंगे, डाइसेक, और उसके बाद तोड़ेंगे मोनोसेकेराइड, यानी अगर किसी को इमरजेंसी में ऊर्जा चाहिए एकदम जल्दी दे तो कौन सा देंगे, पॉलीसेकेराइड, सोच रहा मर जाएगा वो पचाते पचाते, पॉलीसेकेराइड को कहेगा डाइसेकेराइड में बन, डाइसेकेराइड के बाद
बोली मोनोसेक्राइड, उससे अच्छा क्या देंगे मोनो। अब मोनोसेक्राइड में सबसे फेमस ग्लूकोज, कुछ हुआ चढ़ाओ ग्लूकोज सीधे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देहात में अगर किसी को ग्लूकोज चढ़ रहा है तो लोग उसको सीरियस समझते हैं, ये माई पानी छोड़ तो उसको सीरियस समझते हैं, बल्कि वो बहुत सीरियस बात नहीं होता है। लेकिन देहात में अपना अपना एक स्टैंडर्ड है, वहां पर पानी चढ़ रहा है सब रिश्तेदार देखने आएगा, ये माई मर तो अब कुछ दिन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, पानी चढ़ना मतलब कुछ नॉर्मल चीज होता है। अब वो मरीज समझ जाता है कि अब हम ज्यादा बीमार पड़ गए, समझ में आ, जब तक उसको पानी नहीं चढ़ेगा टंडना ए ठीक हो जाए दो तीन से बीमार पड़ लो, अब पानी चढ़ जाएगा तब हदास जाएगा, बाबू के बुलावा अब अरे यार उसको ग्लूकोज चढ़ा रहा है कोई दिक्कत नहीं है उसको, नहीं हो चढ़ाएगा तब वो क्या हो जाएगा बच जाएगा। बट इंस्टेंट एनर्जी किससे देता है, ग्लूकोज से, इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से। शरबत दीजिएगा तो शरबत किसका बताए, चीनी का, चीनी किस चीज का होता है सुक्रोज, चीनी में सुक्रोज, उसका पेट उसको पचाएगा, क्या बनाएगा डाइसेक्राइड। अब टोटल का टोटल डाइसेक्राइड तो मोनोसेक्राइड में बनेगा नहीं, उसमें कुछ बर्बाद होगा, उसके बाद वो एनर्जी लेगा तब तक उसको दिक्कत हो जाएगा। देहात में अगर कुछ नहीं मिलता है, कोई बेहोश होता है, ग्लूकोज नहीं चढ़ता है, चीनी पानी नमक घोल के पिला देता है, पीले चीनी पानी उसको क्या देता है एनर्जी, और नमक ब्रेन के लिए जरूरी है, ब्रेन अगर ब्रेन में सिग्नल नहीं जाता है ना तो सोडियम दिया जाता है, सोडियम कहाँ खरीदने जाइएगा, नमक में सोडियम रहता है। तो देहात का आदमी ऊर्जा देने के लिए ऊर्जा, बेहोश आदमी को ऊर्जा कौन देता है, पानी और चीनी, और उसके दिमाग को टंटना देता है, नमक नहीं देंगे तो उसको ऊर्जा रहेगा, लेकिन कहेगा मनवा थकल थकल है, तनसे नमक डाल दीजिए टंटना जाएगा, व्हाट हैपन तुरंत एकदम टंटना जाता है। नमक जरूरी है, हालांकि नमक जरूरी नहीं होता, सोडियम जरूरी होता है, डायरेक्ट सोडियम हम नहीं ना ले सकते हैं, उसमें क्या ले नमक मिला दिया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग किसका यूज करते हैं मोनोसेक्राइड, किसका यूज करते हैं मोनो, हम डाइसेक्राइड खाते हैं या नहीं खाते, खाते हैं, और वो बाद में क्या बनता है मोनोसेक्राइड, और तभी हमको पच सकता है। हम सुक्रोज खाते हैं चीनी के रूप में, चीनी में क्या होता है सुक्रोज, और फलों में क्या होता है फ्रुक्टोज, ज्यादा ऊर्जा धाय से किसमें मिलेगा, चीनी में कि फल में। कोनो बीमार पड़ा है देहात में, अगर कोई सेब खरीद के ले जा रहा है समझ जाइए कन्फर्म के घर कोई बीमार पड़ा है, सेब खरीदा देहात का आदमी चाहे अनार उनार, या तो के घर कोनो पूजा पाठ है ना तो कोनो घर में बीमार है तबे वो खरीद के ले जा रहा है, तो क्या खिलाने वाला है उसको फ्रुक्टो, क्या खिलाना चाह रहा है फ्रुक्टो। देहात का आदमी अगर नॉर्मल बीमार है तो भी उसको मोनोसेक्राइड देता है, किस रूप में फ्रुक्टोज, फलों में फ्रुक्टोज, फलों में फ्रुक्टोज, अगर ज्यादा बीमार पड़ गया तो ग्लूकोज, ज्यादा बीमार पड़ गया तो ग्लूकोज भी, समझ में आ गया। और अगर जी गंगा जल दे रहा है तो अब गाड़ी बस आउटर पे खड़ी है निकल जाएगा यहाँ पे, वो एकदम समझ जाएगा लास्ट मोनोसेक्राइड है, गंगा जल पिलाता लो जय तो बाबा जाओ यहाँ से। आगे देखता हाँ कौन जी पानी कब दिया, गंगा जल मरने के टाइम दिया जाता है बगल वो गंगा जी, देखो इसको लग रहा है गंगा कुछ, सर गंगा जल किस में आएगा ये बकलोल। अब हिंदू धर्म में गंगा जल पवित्र माना जाता है, मुसलमान में आबे जमजम, जैसे जमजम पानी सऊदी अरब में जब हज करने जाते हैं लोग ना तो जमजम का पानी वहां से लेके आते हैं लोग, तो वो लोग रखते रहते हैं घर में, तो जमजम गंगा जल में कीड़ा पड़ता है, तो मुसलमान लोग में आबे जमजम में भी कीड़ा नहीं पड़ता, तो मुसलमान एकदम आखिरी सांस पे लेगा अब जाएंगे तो उसको क्या पिला दिया जाएगा आबे जमजम, और हिंदू लोग है तो गंगा जल, जा निपटो यहाँ से बहुत हो गया जन, समझ गया सीबीएसई बोर्ड का है क्या, तो चलो आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सुक्रोज खा सकते हैं कि नहीं, वो क्या है डाइसेक्राइड, माल्टोज भी क्या है डाइसेक्राइड, ग्लैक्टोज भी क्या है डाइसेक्राइड, हम लोग उसको किसमें बदलते हैं बोलो, पाचन तंत्र पढ़ा दिए थे आप लोग को याद कीजिए, पाचन तंत्र पढ़ा दिए थे लॉकडाउन से पहले, पाचन तंत्र में पढ़ाए थे कि छोटी आंत से सुक्रेज निकलता है जो सुक्रोज को पचाता है, माल्टेज निकलता है जो माल्टोज को पचाता है, ग्लैक्टेज निकलता है जो ग्लैक्टोज को पचाता है। और वहां ये बात बोले थे कि ये माल्टोज ग्लैक्टोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज ये सब क्या है, ये न्यूट्रिशन नाम के चैप्टर में पढ़ाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये बताओ अगर हम लोग डायरेक्ट सुक्रोज को पचा सकते थे तो क्या छोटी आंत में सुक्रोज को पचाने के लिए, छोटी आंत में सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज नाम का एंजाइम निकलता,
हाँ नहीं निकलता। सुकरेज किसको बचाता है? सुकरोज को। माल्टेज किसको बचाता है? माल्टोज को। ग्लेक्टेज किसको बचाता है? ग्लेक्टोज को। क्या ये डायरेक्ट पच जाते सब तो छोटी हाथ में निकलता? इन सारे एंजाइम को छोटी हाथ में सक्कस इंट्रिगस कहा गया था। क्या कहा गया था? सक्कस। जब पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? बताइए, सुकरोज को बचाने के लिए सुकरेज, माल्टोज को बचाने के लिए माल्टेज, ग्लेक्टोज को बचाने के लिए ग्लूकोज को बचाने के लिए कुछ नहीं। ग्लूकेज निकला था वो तो अपने मरने के कगार पे है, सोच रहा अब उसके बाद टूटेगा तो C6H12O6 खत्म हो जाएगा कहानी वहां पे, ये एकदम लास्ट स्टेज हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीनी में सुकरेज, सुक्रोज, दूध में लैक्टोज, दूध में लैक्टोज। कोई बीमार पड़ा है तो उसको दूध पिलाया जाता है कि ग्लूकोज? दूध का लिए पिलाइएगा भाई, उसका पेट को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा ठीक ठाक है तो दूध पिला सकते हैं, लेकिन बेड पे पड़ल है और दूध पिला, बबुआ दूध पी ले, चल जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलते हैं किधर? सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स संरचना, सबसे कॉम्प्लेक्स संरचना, क्या हम पॉलीसेक्राइड पचा सकते हैं? नहीं, कुछ कुछ मात्रा में पचा सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पचा सकते। जैसे स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। पत्तियों पर क्या पाया जाता है? मंड। कितने लोग बता सकते हैं? अभी तो इसमें बॉटनी तो सब पढ़ा है। पत्तियों पर उपस्थित मंड यानी स्टार्च की जांच के लिए किसका प्रयोग? किसका प्रयोग? आयोडीन। किसका प्रयोग? आयोडीन। हम पत्ती पचा सकते हैं कि नहीं? पचा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पचा पाएंगे, थोड़ा मोड़ा नया नया पत्ती निकला रहेगा, एकदम नया नया। हाँ, साग वगैरह पत्ती में आता, साग सेलुलोज में आता है। बकलोलवा एक महीना से साग साग चिल्ला रहा है, बकलोल एक महीना से ओकरा साग का चिंता पड़ल है। समझिए ध्यान से, पत्तियों पर क्या पाया जाता है? स्टार्च। किसी भी अनाज का छिलका में क्या पाया जाएगा? स्टार्च। गेहूं का चोकर भी गेहूं का छिलका है, क्या पाया जाएगा? स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में मंड। हम पचा सकते हैं कि नहीं? पचा सकते, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं पचा सकते। स्टार्च का हमारे पेट में जाना जरूरी है, नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम जब गेहूं खरीदते हैं तो उसको चाल चाल के गेहूं को, एको चल नहीं होता है, चल नहीं बोलते हैं ना। हाँ हाँ, वहां पे आप लोग भी पिसवा के लाते होंगे आटा? हम लोग भी बचपन में खूब आटा पिसवा के लाते, गेहूं पिसवाइए और उसको आटा मम्मी क्या करती थी, चाल के एक के दिन में चाल देंगी मम्मी। 25 किलो 30 किलो आटा पिसवा के लाएंगे, एक के दिन में चालेंगे। अब मम्मी एक घंटा लग जाएगा और उसके बाद थकी रहेंगी तो घुसिया के खोजेंगी, कोना के झा रहे हैं, दे इधर आ, खाना खाया है तुम? मम्मी भूल गए थे, एक तमा चले हैं। अरे भाई आप आटा चाली हैं, गुस्सा है, उधर से थकी हैं, हमरा ऊपर काय को निकाल देती हैं। बचपन में मम्मी बहुत पीटी हम लोग को, चैली से, चप्पल से, बेलना से, सब चीज से। आप लोग ना पिटाए क्या? अरे यार हम तो अभियो पिटा जाते हैं। चलिए ध्यान समझिए, तो चोकर जरूरी, चोकर में क्या पाया जाता है? स्टार। आपको पाचन तंत्र पढ़ाए थे, मुंह में बनने वाला लार जिसमें टाइलिन और डाइस्टेज, ये किसको बचाते हैं? स्टार। किसको बचाते हैं? स्टार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग में थूक यानी लार दिन में 1.5 लीटर बनता है, क्योंकि हम लोग स्टार्च कम खाते हैं, और गैया को तो हुमच के आप खाली चोकरवे देते हैं, यानी गैया केवल क्या खाती है? स्टार। इसलिए एक हक बाल्टी कौड़ी करके थूकती रहती है, देखते हैं ऐसे ऐसे कौड़ी करता है, कई गो लड़को चुंगम खा के कौड़ी करेगा, और सबको लगता है कि बहुत एडवांस है, देखेगा से कोई सामने बैठा है और चबाएगा सो, हाँ ठीक है, मन करता है मुंह उठा कर एक लात मुंह पे दे दे चट्टा कहीं कहीं। मतलब लोगों का स्टैंडर्ड गजब है, मतलब ये नहीं समझते कि हम बेवकूफी कर रहे हैं, उसको शान समझते हैं कि यार तुम्हारा बुद्धि कहाँ है, चुंगम खा रहा है, कोई पढ़ा लिखा इंसान एक तमाचा दे देगा, बात करने है कि चुंगम खा रहा है, ईयरफोन लगा लेगा, हाँ सर ये कैसा हो गया, ऐसे लेके सूगा कानवे में मार दे, ईयरफोन लगा रहे हो, मरो तुम अपना अपने कमरे में, जब सामाजिक जगह पे हो तो सामाजिक ढंग से रहो, ये हो आएंगे चुंगम खाएगा, ईयरफोन लगाएगा, दो को बटन खोल के लहरा के चलेगा, इसे ऐसा सबको जेसीबी का पिछवा वाला दतवा होता है ना, खड़े बकोट लो इसे। बताओ, अनाज के बाहरी परत पर, अनाज के बाहरी परत, दवाओं के कैप्सूल पर, पत्तियों पर हम स्टार्च को पचा सकते हैं या नहीं? बहुत कम मात्रा में, ज्यादा नहीं पचा सकते, ज्यादा नहीं पचा। सेल्यूलोज, पेड़ पौधों के
के डंठल पर सेल्यूलोज, पेड़ पौधों के तना में सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है गाय भैंस जो बड़े बड़े मोट मोट दतवन में सेल्यूलोज, तो दतवन खाइए ना नहीं पच पाएगा, सेल्यूलोज होता है, समझ आ गया कि नहीं आएगा। रुई ये कपड़ा किसका बना है, सेल्यूलोज, उसी से बनाया गया। गन्ना किसका है, सेल्यूलोज, आप गन्ना का रस चूस के उसका सुक्रोज क्या करते हैं, चूस जाते हैं, क्या फेंक देते हैं, सेल्यूलोज, क्या फेंक देते हैं, सेल्यूलोज। गाय भैंस सेल्यूलोज को क्या कर सकते हैं, पचा सकते, हम लोग नहीं पचा। अगर बहुत नॉर्मल सेल्यूलोज है, जैसे आपका साग में हो गया, कोई नॉर्मल पत्ती नॉर्मल डंठल वंगल है, उसको क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। नीम का छोटा मोटा फिलाल है, उस सब को पचा सकते हैं। तुलसी उलसी है, उसका डंठल वगैरह पचा सकते हैं। ज्यादा मात्रा में हम सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते, तो हम लोग सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती है। किसकी, अपेंडिक्स, और हम लोग का अपेंडिक्स काम करना बंद कर चुका है, जानवरों का अपेंडिक्स काम करता है। तो हम लोग सेल्यूलोज को ना के बराबर क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। सेल्यूलोज रेशे की तरह होता है। अब आप ही बताइए ना, किसी भी पेड़ का डंठल छीलेगा तो रेशा की तरह निकलेगा कि नहीं, तो कहेगा इनमें से कौन सा न्यूट्रिशन रेशा के जैसा होता है। अरे भैया लकड़ी चीरोगे तो उसमें भी रेशा बना होता है, और लकड़ी चीरने वाला रेशे में मिला के चीरता है, उसी रेशा पे मारता है, खटाक से चीरा जाता है। इसे तनी ऐसे लकड़ी रखा है, ऐसे चीरिएगा तो चीरा जाएगा, और लकड़िया मान के चले मोटका इसे सिल ली है, पैसे काटिए, इसे कटेगा, रेशा नहीं मिलता है वहां पर। तो रेशा वाला न्यूट्रिशन सेल्यूलोज। कपड़ा किसका, पेड़ पौधों के डंठल, नोट सेल्यूलोज, किसका होता है, सेल्यूलोज। अब होता है काइटीन, ये तो सबसे जटिल होता है, इसे हम लोग मर जाएंगे नहीं पचा सकते हैं। काइटीन स्टार्च को नॉर्मली पचा लेते हैं, सेल्यूलोज को कुछ 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 तरी मनी ना बराबर 1-8%, आ ये तो मर जाएंगे नहीं पचा सकते हैं। काइटीन मछली देखे, उसका जो चोइटा होता है, चोइटा नहीं समझता है, सोचा इसका पोछिया गड़बड़ा गया, गया। ये वाला चीज, ये जो होता है चोइटा, ए बकलोल रुक, ये जो चोइटा होता है मछली का, इसका ये सब जो हाथ पैर सब तैरने के लिए, आप देखे होंगे इसको पहसूल पे रख के से छोड़ा दिया जाता है, देखते हैं राख उख लगा के छोड़ा दे, तो ये जो हिस्सा निकलता है ये सब, ये किसके बने होते हैं, काइटीन के। पचा लेंगे आप इसको, पूरा बढ़िया से साफ करके छोड़ाया जाता है, ये नहीं पचा सकते हैं। ये कैसा है, ये है काइटीन, किसमें आता है, पॉलीसेक, ये नहीं पचा सकते हैं, ये जल को अंदर जाने नहीं देता है। कहेगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट यानी कौन सा शर्करा जल के प्रति अवरोधक का काम करता है। जानवरों के बाहरी खोल किसके बने होते हैं, काइटीन, और पेड़ पौधों के बाहरी छाल सेल्यूलोज, अनाज का बाहरी छिलका, अब पूरा पेड़ का बाहरी छिलका, आप कीड़े मकोड़े के बाहरी छिलका, हम लोग इसको पचा सकते हैं, इसको ओ ना बराबर, ना बराबर, अगर सीधा बोले पचा सकते हैं, सीधे बोल दीजिए ना, वो एक्सेप्शन के केस में पचा सकते हैं। काइटीन दो बार बोलिएगा ना, फिर बोलिएगा ना, समझ में आएगा कि नहीं गया, अरे गैप करके बोलिए ना ना ना, तो ना ना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे का क्लास कल देखेंगे, कल पीडीएफ दे दूँ।